नमस्कार, मैं हूं रवीश। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्रेक के बीच शिखर धवन उठा रहे हैं म्यूजिक का लुत्फ। साथ ही आपको दिखाएंगे अजब गजब खेलों के हैरतअंगेज कारनामे और साथियों की खेल जगत की तमाम खबरें भी, जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी मौजूद हैं। मनिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले टीम इंडिया की कप्तान विराट कोहली की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो एक बच्चे के आगे पूरी तरह से बोल्ड हो गए। देखिए रिपोर्ट। तो नैना, आपने देखा किस तरीके से जो बच्चा था उसने विराट कोहली से कहा कि आप मेरा ऑटोग्राफ लें, और विराट कोहली ने फिर उनका ऑटोग्राफ लिया भी। बिल्कुल बिल्कुल मनिंदर जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमेशा जब भी अगर कोई क्रिकेटर होता है तो बच्चों में खास तौर से क्रेज होता है कि वो जाए उनका ऑटोग्राफ ले, लेकिन ये तो एक अलग ही तस्वीर कि बच्चा जाकर विराट को ऑटोग्राफ। बच्चा थोड़ा अलग लग रहा है, दबंग लग रहा है। देखिए, यही चीजें प्यारी लगती हैं बच्चों की। ये आपको एक चीज बता दूं, बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ बातचीत करना, ये एक और तरीका है रिलैक्स करने का। और आई थिंक क्रिकेट के खिलाड़ी, हमने देखा है, जितना मौका मिले उनको किसी तरह से रिलैक्स करने का वो मौका जाने नहीं देते हैं। विराट कोहली को मैंने एक पहले भी करते हुए देखा, इस तरह से बच्चों के साथ मिंगल करते हुए। बिल्कुल, पहले भी उनको इस तरह से देखा है। और विराट कोहली के दो अलग रूप हैं, जब मैदान के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं वो एक अलग ही मोड में आ जाते हैं, लेकिन मैदान के बाद अगर बाहर अगर आप देखें विराट कोहली को, बहुत काम है, बहुत कूल है और हर एक से बात करते हैं। ये उनकी एक बहुत ख़ास बात है जिसकी वजह से उनके इतने फैंस उनको चाहते हैं। जिस तरह से आप ट्वीट्स अभी दिखा रहे थे, सिर्फ कप्तान है हिंदुस्तान के, मैदान के ऊपर भी थोड़ी सी अगर विनम्रता से पेश आएंगे, जो भी करते, जैसे हमने कल ही देखा था वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट एक फ़ैन को चुप करा रहे थे विकेट लेने के बाद, मुझे लगता है वो सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है अब विराट कोहली को। वहाँ भी अगर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो मुझे लगता है उनके फैंस की संख्या तिगनी हो जाए। मतलब वहाँ उनको बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, वहाँ मैच्योर बनने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात ये भी रही मनी सर की, अगर बच्चे ने कहा कि मैं आपको ऑटोग्राफ देना चाहता हूँ तो विराट कोहली ने इनकार नहीं किया, बल्कि बाकायदा उनका ऑटोग्राफ लिया और फिर वो जो पेपर था उसको अपने साथ लेके गए भी। बच्चे का भी मान रखा हूँ। देखिए, बहुत मज़ा आता है। मैं मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, मैं उनके साथ बातचीत जब करता हूँ, इनोसेंस है उनमें, और वो इनोसेंस आपको एक चीज़ बताती है कि इसमें कोई छल कपट नहीं है। जब मुझसे बात करेगा या मुझे कुछ कहेगा, जिस तरह से इस बच्चे ने विराट कोहली को कहा होगा कि क्या आप मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, ये इसमें मज़ा आता है इस तरह की बातें सुन के। जब बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, आप तरह तरह के प्रोग्राम्स देखिए टेलीविज़न पर जब आते हैं, जब बच्चे सिंगिंग प्रोग्राम्स या किसी में आते हैं, आप उनकी बातें सुने, जब उनसे सवाल किए जाते हैं, बड़ा बड़ा मज़ा आता है उनकी बातें सुन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बच्चों की मासूमियत ही है, और ये कहा जा सकता है रवीश की, तभी वहाँ पर जब विराट भी वहाँ उनके सामने थे तो वो भी एकदम बच्चों के जैसे ही एकदम नज़र भी आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शिखर धवन की, जो बांसुरी बजाने में अपना हाथ आजमा रहे हैं।